नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा जीपीएस था आर्यों के पास। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर कौन सा जीपीएस था आर्यों के पास जो एक सीधी रेखा में 3000 किलोमीटर तक एक के बाद एक मंदिर बनते चले गए। इसे आप ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहें या फिर गुरु पोजीशनिंग सिस्टम, लेकिन कुछ तो रहा होगा जो आधुनिक जीपीएस के समान सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों का मार्गदर्शन करता रहा। इसे आप देवी शक्ति कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। यह ऐसा कोई विज्ञान रहा होगा जिसकी उत्पत्ति का आज आधुनिक साइंस को ज्ञान नहीं है। हम बात कर रहे हैं उत्तर में हिमालय पर्वत में स्थित श्री केदारनाथ धाम से लेकर सुदूर दक्षिण में स्थित श्री रामेश्वरम मंदिर की। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक सीधी रेखा में बनाए गए हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कैसा विज्ञान और तकनीक थी जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्रेश्वर, चिदंबरम और अंततः रामेश्वरम मंदिरों को 79 डिग्री एल्टीट्यूड और 41.54 लॉन्गिट्यूड पर भौगोलिक सीधी रेखा में बनाया गया है। यह सारे मंदिर प्रकृति के पांच तत्वों में लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं पांच तत्वों के आधार पर इन पांच शिवलिंगों को प्रतिष्ठित किया गया है। जल का प्रतिनिधित्व तिरुवनेकवल मंदिर में है। आग का प्रतिनिधित्व तिरुवन्नामलाई में है। हवा का प्रतिनिधित्व कालाहस्ती में है। पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कांचीपुरम में है और अंत में अंतरिक्ष या आकाश का प्रतिनिधित्व चिदंबरम मंदिर में है। वास्तु विज्ञान वेद के अद्भुत समागम को दर्शाते हैं ये पांच मंदिर। भौगोलिक रूप से इन मंदिरों में विशेषता पाई जाती है। इन पांच मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया था और एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक संरेखन में रखा गया था। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान होगा जो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव करता होगा। इतना ही नहीं, इन मंदिरों का करीब 4000 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था, जब उन स्थानों में अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक उपलब्ध नहीं थी। तो फिर कैसे इतने सटीक रूप से पांच मंदिरों को प्रतिष्ठित किया गया होगा? संभव है कि इसका उत्तर या तो भगवान ही जानते हैं या फिर हमारे वो पूर्वज जिन्होंने आदि शंकराचार्य के काल में जीवन के कुछ पल बिताए हों। कम से कम नासा के किसी वैज्ञानिक के पास तो इसका उत्तर नहीं है। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक ही समानांतर रेखा में पड़ते हैं। आखिर हजारों वर्ष पूर्व किस तकनीक का उपयोग कर इन मंदिरों को समानांतर रेखा में बनाया गया है, यह आज तक रहस्य ही है। श्री कालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि यह वायुलिंग है। तिरुवन्निका मंदिर के अंदरूनी पठार में जल वसंत से पता चलता है कि यह जललिंग है। अन्नामलाई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है कि वह अग्निलिंग है। कांचीपुरम के रेत के स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि यह पृथ्वी लिंग है और चिदंबरम की निराकार अवस्था में भगवान के निराकारता यानी आकाश तत्व का पता चलता है। अब यह आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है कि ब्रह्मांड के पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पूर्व ही प्रतिष्ठित किया गया था। हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास ऐसा विज्ञान और तकनीक थी जिसे आधुनिक विज्ञान भी भेद नहीं पाया। माना जाता है कि केवल यह पांच मंदिर ही नहीं अपितु इसी रेखा में अनेक मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते हैं।
इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। संभवतः यह सारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हों, जो 81.3119 एल्टीट्यूड में पड़ता है। उत्तर भगवान शिवजी ही जाने। सो दोस्तों, ये थी केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक सीधी रेखा में बनाए गए मंदिरों के बारे में जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहिए चैनल D5 हिंदी के साथ।